आईफोन अमेरिका का है ब्रांड, लेकिन वो मैं जो मोबाइल है वो चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं, तो इस तरह ये ताइवान से बनवा रहे हैं। ठीक है, एक ये चीज़ होगी। बाकी इवन के ये आपके पाकिस्तान डिटेक्टर टेक्नोलॉजीज की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है गैरेट पैनिंग किट। सबसे पहले मैं आपको गैरेट पैनिंग किट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। पैनिंग किट होती क्या, ये किस मकसद के लिए यूज़ होती है। सबसे पहले मैं डिटेक्टर की बात करता हूँ। जो डिटेक्टर गोल्ड नगेट्स, जो सोने के छोटे छोटे एक होते हैं टुकड़े, एक होते हैं जर्रात जिसको हम फाइन गोल्ड भी कहते हैं, ये होता है कि जो टुकड़े होते हैं गोल्ड नगेट्स के वो तो डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन वो टुकड़े जो वो जर्रात जो डिटेक्टर की कैपेबिलिटी से बाहर की चीज़ होती है वो सिर्फ पैनिंग किट ही से पैनिंग किट की मदद से ही आप डिटेक्ट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। अब पैनिंग किट के बारे में सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ, ये पैनिंग किट है, इसको ग्रेविटी ट्रैप भी इसके नाम पे, इसका मतलब इसका जो मॉडल का नाम है वो ग्रेविटी ट्रैप है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें एक दो तीन, ये एक के क्लासीफायर हैं, ये किट्स हैं, ये एक ये चीज़ है, ये दो बोटल्स हैं और एक मैग्नीफायर है और ये एक मैनुअल भी है, ये तमाम चीज़ें इसके साथ आती हैं। तो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सामान है और वो क्या क्वालिटी में कैसा है। इसके अंदर से क्या क्या सामान निकला मैं आपको बताता चलूँ। ये चीज़ होती है, ये आप एक बॉटल है, ये उससे होता है जब पानी के अंदर आपकी आपके सोने के छोटे छोटे ज़रात पड़े होते हैं तो आप इसकी इस बॉटल की मदद से आप इसको यूं करके इसको खींचते हैं तो वो जो ज़रात वगैरह होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये इसके लिए आपके उसमें आपकी मदद करती है। ठीक है, एक तो ये है, सेकेंड ये चीज़ आ जाती है, ये दो कांच की बोतलें, मैं इसको ओपन भी कर देता हूँ। ये दो बॉटल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप छोटे सोने के छोटे छोटे ज़रा डाल सकते हैं, और ये एक मैग्नीफायर है। मैग्नीफायर क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मैग्नीफायर है और साथ ये कैचर भी है कि जो भी आप जिस तरह यहाँ से आप इजीली देख भी सकते हैं जूम करके के छोटे के, क्योंकि सोने के बहुत छोटे छोटे जलाद होते हैं तो इसके लिए मैग्नीफायर का होना बहुत ज़रूरी होता है। मैग्नीफायर करके आप इजीली उसको चीज़ को आप यहाँ से देख के आप इसको उठा सकते हैं, उठा के फिर इस तरह बॉटल में डाल सकते हैं, ये इसके लिए होता है। ठीक है, और ये जो गैरेट कंपनी है ये है USA की प्रोडक्ट, लेकिन इसके ऊपर अगर आप देख सकें इस पर इन्होंने मेड इन ताइवान लिखा हुआ है, यानी कि ये वाली जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये ताइवान से बनवा रहे हैं, लेकिन जो ब्रांड है वो USA का है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह आईफोन अमेरिका का है ब्रांड, लेकिन वो मैं जो मोबाइल है वो चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं, तो इस तरह ये ताइवान से बनवा रहे हैं। ठीक है, एक ये चीज़ होगी। बाकी इवन के ये आपकी गोल्ड पैनिंग किल के साथ बकायदा इसकी यूज़र मैनुअल है, इसकी कंप्लीट डिटेल्स हैं कि स्टेप वन आपने किस तरह करना है, स्टेप टू किस तरह करना है, ये कंप्लीट डिटेल्स हैं। ठीक है, ये स्टेप फाइव, ये स्टेप फोर, ठीक है, इसी तरह हम आगे चलते हैं, स्टेप सेवन, ये बकायदा पूरी तरतीब लिखी हुई है कि आपने गोल्ड किस तरह, ये देखें जिस तरह मैं भी आपको बता रहा था कि ये बॉटल से इस तरह ये इसको निकालता है, ये तरीक़ेकार है। ठीक है, ये कम्प्लीट सारा कम्प्लीट इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि किस तरह आपने करना है। ये कंपनी के ऑनर है। ये पैनिंग किट है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, इनके अलग अलग साइजेज हैं। ठीक है, इसके अलावा ये इसमें क्लासीफायर भी है। ठीक है,
ये इसलिए होता है कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं या कुछ होते हैं ये ऊपर ही निकल जाए, ठीक है। तो ये एक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था इसका जो मॉडल है ये गोल्ड ट्रैप है, ठीक है, गोल्ड ट्रैप इसका मॉडल है। इसके अलावा अगर आपके पैनिंग किट चेक करना चाहते हैं फिजिकली तौर के ऊपर, इसको आके इंस्पेक्शन करना चाहते हैं या खुद आके अपने हाथों से चेक करना चाहते हैं, तो हमारा हेड ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद गुलबर्ग ग्रीन में है, आप वहाँ पे आके इसको विज़िट भी कर सकते हैं। और एक हमारी ब्रांच कराची में भी है, वहाँ पर भी आप विज़िट करके इसको चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।